हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजेता लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। MEMA सब्जेक्ट को 208 में आज हम बॉयलर संयंत्र में ऊर्जा की क्षति, बॉयलर परीक्षण और हीट बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा 6th चैप्टर है बॉयलर परफॉर्मेंस, इसमें हम आज सबसे पहले बॉयलर संयंत्र में ऊर्जा क्षति के बारे में पढ़ते हैं। तो ईंधन के दहन से जितनी भी ऊष्मा प्राप्त होती है वह सब ऊष्मा भाप जनन करने में काम नहीं आती है, कुछ ऊष्मा की हानि हो जाती है। इस प्रकार से दहन से प्राप्त ऊष्मा का जो भाप उत्पन्न करने में काम नहीं आता है उसे हम ऊष्मा की क्षति कहते हैं। साधारणतः देखा गया है कि बॉयलर की दक्षता 70 से 80% तक होती है, तो इस प्रकार से लॉसेज कितने हुए, 30 to 20%, है ना। तो ये हीट लॉस कहाँ पर होती है मेनली, वह हम उनकी गणना करेंगे। तो पहला जो हीट लॉस है दग्ध गैसों में होता है। दग्ध गैसों में व्यर्थ जाने वाली ऊर्जा, ये सबसे अधिक प्रतिशत हीट लॉस इन्हीं गैसों में जाता है। तो दग्ध गैसों में शुष्क उत्पाद ड्राई प्रोडक्ट व ईंधन में विद्यमान हाइड्रोजन व नमी से उत्पन्न भाप होती है, इसलिए क्षति को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो है शुष्क दग्ध गैसों में ऊर्जा और दूसरा है हाइड्रोजन के दहन से उत्पन्न भाप तथा ईंधन में विद्यमान जल कणों से बनी भाप। फ्यूल में भी कुछ मॉइस्चर हो सकता है, तो वो मॉइस्चर जो है जैसे ही फ्यूल जलता है वो मॉइस्चर उसमें भाप बनकर और फ्लू गैसेज में निकल जाता है, तो वहाँ पे भी कुछ ऊष्मा की हानि होती है। तो पहला भाग हम सबसे पहले देखते हैं शुष्क दग्ध गैसों में ऊर्जा, इसकी गणना कैसे की जाती है। जो हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला होता है MCpdT से, तो यहाँ पे Mg क्या है, प्रति केजी ईंधन दहन से उत्पन्न शुष्क गैसों की मात्रा किलोग्राम में। CpG है दग्ध गैसों की नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। Tg है दग्ध गैसों का तापमान। TA है एम्बियंट टेम्परेचर, या फिर इसे बॉयलर ग्रह का तापमान भी कहा जाता है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम ये शुष्क दग्ध गैसों की ऊर्जा निकाल सकते हैं। ईंधन में नमी और हाइड्रोजन से बनी भाप में ऊर्जा, तो इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है, इसके लिए फॉर्मूला है 9H2। H2 क्या है, हाइड्रोजन प्लस M ब्रैकेट में HS-H1। अब यहाँ पे HS है एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम और H1 है बॉयलर ग्रह का तापमान पर जल की एंथैल्पी। तो हमने ये अज्यूम करा है कि जो फ्यूल है उसमें नमी है, वह फ्यूल के दहन पर वह नमी भाप में परिवर्तित हो जाती है और वह भाप अतितप्त भाप है। तो ये हमने मान के चला है, तो हम यहाँ पे जो सुपर हीटेड स्टीम है उसका एंथैल्पी यहाँ पे पुट करते हैं। तो फॉर्मूला इस प्रकार से रहेगा 9H2 + M 5 419। अब 419 जो है वो एंथैल्पी जो है वो दे रखी है सुपर हीटेड स्टीम की, प्लस 2256.9 प्लस CpTg-100 -H1। तो ये पूरा फॉर्मूला किसके लिए, HS का है। अब ये H2 क्या है, इसमें प्रति केजी ईंधन में हाइड्रोजन की मात्रा। M है प्रति केजी ईंधन में जल कणों की मात्रा। HS है वायुमंडल दाब पर भाप की एंथैल्पी। H1 है बॉयलर ग्रह तापमान पर जल की एंथैल्पी। CP है अतितप भाप की नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और TG है दग्ध गैसों का तापमान। तो उपरोक्त समीकरण में ये माना गया है कि दग्ध गैसों में विद्यमान भाप वायुमंडल दाब पर तथा दग्ध गैसों के तापमान पर अतितप भाप के रूप में, यदि भाप का आंशिक दाब दिया गया हो तो उपरोक्त मान उस दाब पर भाप सारणी से लेना चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरा जो लॉस है वो कहाँ पर होता है, ईंधन में विद्यमान कार्बन के अपूर्ण दहन में ऊर्जा। तो फ्यूल के अंदर कुछ मात्रा में अनबर्न कार्बन भी रह जाता है, तो उसमें भी कुछ ऊष्मा की हानि होती है क्योंकि वो जलता ही नहीं है पूरी तरह से। तो यदि दग्ध गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड CO विद्यमान हो तो ईंधन का अपूर्ण दहन समझा जाता है। यदि पूर्ण दहन होता है तो CO2 बनती है।
एक केजी कार्बन जलकर CO बनता है तो 10,200 किलोजूल ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि एक केजी कार्बन जलकर CO2 बनने में 35,000 किलोजूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से एक केजी कार्बन के अपूर्ण दहन से ऊर्जा की क्षति कितनी हुई, दोनों का माइनस कर देंगे तो बनेगा कितनी, आएगा 24,800 किलोजूल। तो यदि दग्ध गैसों में CO व CO2 का प्रतिशत आयतन मालूम हो तो प्रति केजी ईंधन में कार्बन की मात्रा जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है इस सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। कैसे, कार्बन की मात्रा का जिसका अपूर्ण दहन हुआ बराबर C/100 मल्टीप्लाई बाय CO+CO+CO2 kg। तो प्रति केजी ईंधन के अपूर्ण दहन से ऊर्जा क्षति कितनी हुई, तो हम उसके कैलोरी मान से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, C/100 मल्टीप्लाई बाय CO/CO+CO2 मल्टीप्लाई बाय 24,800। तो यहाँ पे C है ईंधन में कार्बन का प्रतिशत मात्रा, CO है दग्ध गैस में CO का प्रतिशत आयतन, और CO2 है दग्ध गैस में CO2 का प्रतिशत आयतन। तो इस सूत्र की सहायता से हम अनबर्न जो फ्यूल रह गया है उसमें कितनी हीट लॉसेस हुई है हमें वह हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर है बिना जले ईंधन के कारण ऊर्जा की क्षति। कार्बन के छोटे छोटे कुछ कण जो कि झंझरी के छड़ों के बीच में से राग पर गर्त में गिर जाते हैं। अब कुछ जो फ्यूल है वह बिना जले ही राग के साथ नीचे गिर जाता है, तो कुछ राग के साथ उड़ जाते हैं तथा कुछ क्लिंकर में रह जाते हैं। तो बिना जले ईंधन में ऊर्जा की क्षति किस पर ज्ञात करेंगे, MF मल्टीप्लाई बाय CF। MF जहाँ पर प्रति केजी ईंधन में बिना जले ईंधन की मात्रा, और CF है बिना जले ईंधन का कैलोरी मान। और जो चौथा लॉस है वो विकिरण के कारण ऊर्जा क्षति होती है, इसको हम अनअकाउंटेबल लॉसेज भी कहते हैं। इसमें वो लॉसेज आते हैं जिनकी गणना प्रैक्टिकल रूप से नहीं की जा सकती है, तो इन्हें हम बाय डिफरेंस ही ज्ञात करते हैं। बॉयलर की गर्म सतह वायुमंडल के संपर्क में रहती है, अतः वायुमंडल के कारण संवहन व विकिरण से ऊष्मा की क्षति होती है। इस क्षति को मापा नहीं जा सकता है, अतः इस क्षति का मान ईंधन से प्राप्त कुल ऊष्मा में से प्रथम तीनों क्षतियों के योग को घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो बॉयलर का परीक्षण ऊर्जा संतुलन पत्र कैसे बनाया जाता है, अब हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बॉयलर का ट्रायल क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं। तो पूर्ण भारण की दशा में कार्य करते समय बॉयलर की दक्षता निकालना और जांच करना, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसमें बॉयलर की ऊष्मीय दक्षता ज्ञात करना, विभिन्न ऊष्मा क्षतियाँ ज्ञात करके ऊर्जा संतुलन पत्र तैयार करना जिससे कि दक्षता बढ़ाने के लिए कुछ सुधार किए जा सकें। अब किस प्रकार से बॉयलर का ट्रायल करा जाता है, यहाँ पे एक रेखाचित्र बॉयलर संयंत्र का दिया हुआ है। बॉयलर टेस्टिंग रिग लेआउट। बॉयलर परीक्षण में बॉयलर को स्थायी अवस्था में प्राप्त करने के लिए सबसे पहले परीक्षण अवस्था में कुछ घंटे के लिए चलाया जाता है। स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लगभग 3 घंटे बाद ऑब्जर्वेशंस चालू करते हैं। पाठ्यांक 10 से 15 मिनट के अंतराल पर लेना चाहिए। कोयला ज्वलित बॉयलर के लिए परीक्षण अवधि लगभग 6 घंटे तथा तेल ज्वलित बॉयलर के लिए अवधि लगभग 4 घंटे होनी चाहिए। परीक्षण के समय ध्यान रखना चाहिए कि ईंधन प्रवाह तापमान दाब जल तल प्रभरण दल व वाष्प इत्यादि पूर्ण परीक्षण अवधि में समान रहना चाहिए। तो ये कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन है कि किस प्रकार से बॉयलर ट्रायल करना चाहिए। अब हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन जनरली लिए जाते हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें प्रदाय ईंधन तथा उसका द्रव्यमान विश्लेषण, उत्पन्न भाप की मात्रा अवस्था या अतिताप तापमान, दग्ध गैसों की मात्रा, वायु प्रवेश तापमान और दग्ध गैसों का तापमान, दग्ध गैसों का आयतनिक विश्लेषण, राख में रहे ईंधन की मात्रा, प्रभरण जल का तापमान। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हम लेते हैं। अब इन ऑब्जर्वेशन की सहायता से हम डिफरेंट लॉसेस ज्ञात करेंगे फॉर्मूले पुट करके, और फिर उनको एक टेबल के फॉर्म में हम हीट बैलेंस शीट के फॉर्म में उसे लिखेंगे। ये हीट बैलेंस शीट बनाई गई है यहाँ पे टेबल के फॉर्म में होती है। इसमें पहला जो कॉलम है वो होता है ऊर्जा आदान, मतलब हीट इनपुट किस फॉर्म में बॉयलर में दी गई है। तो हमेशा हीट इनपुट हम जानते हैं फ्यूल के दहन से उत्पन्न ऊष्मा इनपुट होती है, तो हम उसे मार्क करेंगे QS, इसे हम किलो जूल में लिखेंगे, इसे हम प्रतिशत 100% मान के चलेंगे।
अब दूसरे जो आगे का कॉलम है उसमें लिखेंगे हम राइट हैंड साइड में ऊर्जा का प्रदान, मतलब यह ऊर्जा किस किस रूप में परिवर्तित हुई। तो पहला जो मेन पार्ट है इस हीट का कंज्यूम किस में हुई है, भाप को, भाप जो पानी है उसको भाप बदलने में, है ना, भाप के स्टीम के प्रोसेसिंग में यह ऊर्जा काम में आई। तो भाप में ऊर्जा कितनी है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, उसे हम नाम देंगे Q1। इसके आगे हम उसका प्रतिशत निकालेंगे, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, Q1/Qs × 100 से। दूसरा लॉस है शुष्क दग्ध गैसों में ऊर्जा, शुष्क दग्ध गैसों में जो है सबसे अधिक हीट लॉस होता है, तो इसे हम Q2 मार्क करेंगे, है ना, फॉर्मूले की सहायता से इसको ज्ञात कर लेंगे MCBTD से, और इसका प्रतिशत सेम उसी तरह से Q2/Qs × 100 से निकालेंगे। तीसरा पोर्शन है दग्ध गैसों में बनी भाप की ऊर्जा Q3, इसी तरह से अपूर्ण दहन में ऊर्जा जो हमने फॉर्मूले अभी देखे थे उनकी सहायता से हम ये, और बॉयलर की जो ऑब्जर्वेशन ली गई है उनकी सहायता से हम ये इनका मान निकाल लेंगे। राख तथा अधजले इंजन में ऊर्जा Q5। अब जो छठा पोर्शन है विकिरण तथा अलेखित ऊर्जा, है ना, अनअकाउंटेबल लॉसेस, जिसे हमने Q6 मार्क करा है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, नीचे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, हम डिफरेंस से ज्ञात करेंगे। QS में से बाकी के ऊपर वाले सारे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 को ऐड करके हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो इस प्रकार से हम Q6 निकाल सकते हैं अनअकाउंटेबल लॉसेस। अब लास्ट में हम योग करते हैं, योग करने पे ये ऊपर वाले जितने भी लॉसेस हैं 6 लॉसेस, इन सभी को ऐड करेंगे तो इनका योग 100% होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हीट बैलेंस शीट हम बनाते हैं। तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं बॉयलर परफॉर्मेंस पैरामीटर से रिलेटेड, तो उनको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो पहला जो न्यूमेरिकल हम लेते हैं जिसमें कि एक बॉयलर संयंत्र में प्रति घंटा 31,000 kJ कैलोरीमान के 680 kg कोयले के दहन से 41.5°C तापमान के 5,500 kg प्रवण जल का वाष्पन 750 kN/m² के दाब पर शुष्क एवं संतृप्त भाप में होता है। बॉयलर का तुल्य वाष्पन, वाष्पन गुणांक, बॉयलर की दक्षता तथा बॉयलर अश्वशक्ति ज्ञात कीजिए। ये हमारी प्रॉब्लम है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे बॉयलर का प्रति घंटा वास्तविक वाष्पन, एक्चुअल इवेपोरेशन, जिसे हम MA से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, 5,500 kg जो है दिया हुआ है प्रवरण जल का वाष्पन, है ना, तो इतना जो है प्रवरण जल, फीड वाटर जो है उसका इवेपोरेशन हुआ है अपॉन 680, जितनी मात्रा में कोयले का दहन हुआ है, तो इससे हम एक्चुअल इवेपोरेशन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर आया 8.088 kJ/kJ ईंधन। अब हम 7.5 दाब पर भाप सारणी से एंथैल्पी का मान हमने लिया, ये एंथैल्पी का मान क्या है, स्टीम का स्टीम की एंथैल्पी है। अब इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो भाप बन रही है वो शुष्क एवं संतृप्त भाप है, तो एंथैल्पी हम जो है डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, ये HG का मान है, स्टीम टेबल में HG के रूप में लिखा हुआ है 2766.45 kJ/kg, ये 7.5 बार पे दिया हुआ है स्टीम टेबल में। तो हमने ये भाप की एंथैल्पी यहाँ पे नोट कर ली स्टीम टेबल से। अब 41.5°C तापमान वाले प्रवरण जल की एंथैल्पी हमें ज्ञात करनी है, इसे हम H1 से डिनोट कर रहे हैं, यह MCT से हम ज्ञात करेंगे। मास जो है M1 लिया है, C जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है जो कि 4.2 होती है, ये कांस्टेंट होती है। T टेम्परेचर है, तो 0°C वाले पानी को 41.5°C तापमान तक पहुंचाने में कितनी ऊष्मा लगी, यही हम H1 ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पे। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ, 0 से 41.5°, तो आंसर आया हमारे पास 174.3 kJ/kg। तो अब हम बॉयलर का तुल्य वाष्पन निकाल सकते हैं, ME = MAH-H1/2256.9। तो यहाँ पे सारी वैल्यू MA हम निकाल चुके थे, H और H1 निकाल चुके हैं, वो हम इस तरह से जो तुल्य वाष्पन है वो ज्ञात करेंगे, 9.289 kg/kg ईंधन।
अब हमें वाष्पन गुणांक ज्ञात करना है, तो ये होगा, हम जानते हैं ME अपॉन MA होता है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन अपॉन एक्चुअल इवेपोरेशन, तो इससे हम ये आंसर हमने ज्ञात करा। अब बॉयलर की दक्षता हम ज्ञात कर सकते हैं, बॉयलर की दक्षता क्या होता है, एक्चुअल इवेपोरेशन मल्टीप्लाई बाय एच माइनस एच वन अपॉन सी एफ मल्टीप्लाई बाय 100। सी एफ जो है वह कैलोरी मान है फ्यूल का, तो 8.088 हमने ये वैल्यू रखी सारी और हमारे पे बॉयलर की दक्षता उस तरह से हमने ज्ञात करी 67.63%। फिर बॉयलर की अश्वशक्ति हम ज्ञात कर सकते हैं, इसमें जो जितनी मात्रा एक फिक्स मात्रा होती है पानी की वो हम मान के चलते हैं 15.63 लीटर्स पानी है, तो उतना ही हमने यहाँ पे इतना केजी पानी जो है वो यहाँ पे रखा है। तो एम एच माइनस एच वन 2256.9 मल्टीप्लाई बाय 15.60। 2256.9 क्या है, यह लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन है एच एफ जी का मान। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने ये आंसर निकाला है बॉयलर अश्वशक्ति का। अब एक हम क्वेश्चन देखते हैं बॉयलर हीट बैलेंस शीट का, जिसमें कि बॉयलर ट्रायल करा गया, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए गए, ये सभी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे गिवन है, जैसे कि प्रवरण जल की प्रति घंटा कितना फीड वाटर की क्वांटिटी है दे रखी है, फीड वाटर टेम्परेचर दे रखा है, भाप की क्वांटिटी जितनी उत्पन्न हुई है ना उसकी क्या कंडीशन थी, ड्राइनेस फ्रैक्शन और प्रेशर गिवन है, कोयला की खपत प्रति घंटा गिवन है, कोयले का कैलोरी मान, राख और कोयला कितना इकट्ठा हुआ प्रति घंटा, राख और बिना जले कोयले का कैलोरी मान कितना है, दग्ध गैसों की मात्रा, दग्ध गैसों का तापमान, हवा का तापमान और दग्ध गैसों की विशिष्ट ऊष्मा। तो ये सभी ऑब्जर्वेशंस इस बॉयलर ट्रायल के दिए हुए हैं। पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए बॉयलर की दक्षता, दग्ध गैसों में प्रतिशत ऊर्जा की क्षति, राख और बिना जले कोयले में प्रतिशत ऊर्जा की क्षति, अज्ञात प्रतिशत ऊर्जा क्षति तथा ऊर्जा संतुलन पत्र प्रति घंटा आधार पर बनाइए। अब प्रति घंटा आधार पर बनाना है तो हम एक एक करके सारे इसमें कंपोनेंट ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्यू एस इसमें निकालेंगे, कोयले के दहन से प्राप्त कुल ऊर्जा, तो ये हम मास ऑफ फ्यूल मल्टीप्लाई बाय कैलोरी मान उससे ज्ञात कर लेंगे किलो जूल प्रति घंटे में। अब हम प्रवरण जल को भाप में बदलने के लिए कितनी आवश्यक ऊर्जा हुई, तो 8 bar दाब पर हम स्टीम टेबल की सहायता से देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है जो भाप बनी है वह 0.95 शुष्क, इसका मतलब यह वेट स्टीम है, तो वेट स्टीम के लिए एंथैल्पी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी है ना, एक्स ड्राइनेस फ्रैक्शन है 0.95, एच एफ और एच एफ जी का मान हम 8 bar दाब के ऊपर स्टीम टेबल में से यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे हमने रखी। माइनस सी, सी क्या है 4.2, हमें लर्न याद रखना होता है, और टी टेम्परेचर है फीड वाटर का, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने और मल्टीप्लाई बाय 1500, ये मास ऑफ स्टीम है, जितनी स्टीम बनी है फीड वाटर का क्वांटिटी है, ये प्रति घंटा कितना काम में आ रहा है, तो हम इस प्रकार से ये हमने जो है Q1 का मान ये ज्ञात करा है, Q1 का मान ये हम यहाँ पे इस टेबल में लिखेंगे। फिर है तीसरा पार्ट, दग्ध गैसों के साथ व्यर्थ जाने वाली ऊर्जा, तो ये हम निकालेंगे MgCp GtG माइनस TA से, यहाँ पे मास ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, मास फ्लो रेट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस पर आवर 17.5 क्वेश्चन में गिवन है, CpG गिवन है ना, और TG जो है वो एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर, TA एम्बिएंट टेम्परेचर है, तो इसकी सहायता से हम ये यहाँ पे हमने Q2 निकाला है। फिर राख वो बिना जले कोयले में ऊर्जा, ये हम कैसे निकालेंगे, मान दे रखा है कितना KG प्रति घंटा राख और बिना जला कोयला निकल रहा है, वो है 15 kg और मल्टीप्लाई बाय उसका कैलोरी मान 2730, तो ये हो गया हमारा Q3। अब अज्ञात क्षति, तो अज्ञात क्षति के लिए फॉर्मूला क्या होगा, हम ऊपर वाले Q1 Q2 Q3 को ये QS में से माइनस कर देंगे ऐड करके, तो ये हमारे पास अज्ञात क्षति आ जाएगी। फिर बॉयलर दक्षता कैसे ज्ञात करेंगे, MAH-H1, तो MAH-H1 जैसे इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने देखा था, सेम उसी तरह से हमने बॉयलर दक्षता ज्ञात कर सकते हैं, और ये ऊर्जा संतुलन पत्र अंत में हमें बनाना है, तो हम प्रतिशत में सभी मान लिखेंगे, उसके बाद में सभी का योग करके 100% होना चाहिए।